में यूपी पुलिस ने 500 ग्राम चरस बरामद किया है और उसे 2 रुपए में गिरफ्तार किया। क्या है मामला? टीम एमएलबी पुलिस स्टेशन में हमारे एटीएस ऑफिसर एपीआई सिद्धे और पीएसआई बॉम्बे और उनका जो स्टाफ है हवलदार तावड़े पुलिस सिपाही दुबे और अहिरे, उनको 28 अक्टूबर को एक खबर मिली कि हमारे एक्सर मेट्रो स्टेशन है वहाँ एक आदमी है वो चरस लेके आने वाला है। खबर मिलते ही उन्हें वहाँ ट्रैप लगाया और ट्रैप लगाने के बाद एक सस्पेक्टेड आदमी मिला। उसको चेक करने के बाद उसके पास कुछ चरस मिला था। उसको हमने पुलिस स्टेशन में लेके आए, चेक किया तो उसके पास 505 ग्राम चरस मिला है। उसकी लगभग कीमत है 8 लाख रुपए। सर, आरोपी के साथ में एक आरोपी को बिहार से दिलाया गया जिसका लिंक चरस वहां से बिहार लाया था, इसके बारे में क्या कहना है? हमने जो हमारी टीम है वो टीम ने जब आरोपी के साथ इंट्रोगेशन किया तो इंट्रोगेशन में ऐसा पता चला कि ये आरोपी ने छपरा बिहार यहाँ से अजगर अली अमीन हुसैन अंसारी उसके पास से उसने ये चरस लिया है। तो हमने उसका पूरा डिटेल लेके हमारी पूरी टीम एपीआई सिद्धे पीएसआई बॉम्बे और उनके साथ पूरा स्टाफ बिहार छपरा गई और वहां से एक दूसरे आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया। तो जो दूसरा आरोपी उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पास पहले भी केस है या उस तरह का माल कहां से लाता है? हमने अभी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और आगे का भी इन्वेस्टिगेशन के सब पता चलेगा कि इतना सब चरस वो लोग कहाँ से लेके आते हैं। जो चरस का गैंग है मुंबई में कहाँ का एक्टिव है, जो ये बंदा मुंबई से पुलिस पकड़ा गया था उसका कहीं और कोई जो साथ में संबंध था, जो ये चरस सप्लाई करता था? हाँ, वो जहाँ बेचने वाला था उनके भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं और जो बेचने वाला और लेने वाला वो दोनों की हम इंक्वायरी करके हम उन्हें भी अरेस्ट कर लेंगे। जो गिरफ्तार आरोपी है उसके ऊपर कितना केस दर्ज है? हाँ, अभी सब इंक्वायरी चालू है और दोनों अभी पुलिस कस्टडी में।